है बाबा और दादी है अभी अंदर में है। हाँ, आपको दादी से मिला दे रहे हैं और फाइनली अब जो है ना हम इसी घर में रहने वाले भी। कि बेटा के आज के नहाए खाए के दिन जन्म था। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे नया सा घर, खपड़े वाला। तो ये जो घर है ना, मेरा गांव का घर है जहाँ दादी बाबा चाचा चाची ये सब रहते हैं। और फाइनली अब जो देख रहे हैं ना, अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या होता हमारे साथ। अब हमने रांची छोड़ दिया है, अब यहीं पर रहने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग हमारे दादी बाबा शायद मिले होंगे, कुछ लोग नहीं मिले होंगे। तो ये रहे मेरे बाबा, एक बार हेलो कर दीजिए बाबा, ऐसे हेलो कर दीजिए बाबा। ये रहे बाबा और दादी है अभी अंदर में है। हाँ, आपको दादी से मिला दे रहे हैं और फाइनली अब जो है ना हम इसी घर में रहने वाले भी हैं, रांची छोड़ ही दिए समझिए। तो आपको दादी से मिलाते, देखिए दादी क्या कर रहे हैं अभी। और चाची भी घर पर नहीं है, चाचा भी घर पर नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो हम सोचे इसी बहाने दादी बाबा का सेवा करने का मौका मिल जाएगा हमको। तो ये रहे हमारे दादी। प्रणाम दादी। खुश रहा। तो अभी जो है ये लकड़ी और अभी खाना बनाने वाले हैं इसी चूल्हे पर। तो दादी का थोड़ा सा हम हेल्प भी कर देंगे। हम अभी आ रहे हैं वहाँ से, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हमें। तो अभी दादी जो है खाना बनाने जा रहे हैं। इस उम्र में चाची का लड़कन का दुगो है उनका बेटा लोग, उनका तबीयत खराब था तो मायके गए हैं। और चाचा हमारे यहाँ पर नहीं रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ पे हैं। और अभी यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और दादी झोल तोड़ रहे हैं, कुछ दादी की हेल्प कर देंगे। ये हमारे गांव का जो है ना घर का आंगन है, कुछ इस प्रकार से है। हम ना इसका आपको एक स्पेशल सा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे कि हमारे गांव का घर कैसा है, कैसा दिखता है सब कुछ। खाना दादी, भूख ना लग रहा अभी? हमारे गांव में ठेठ भाषा तो दादी का ना तबीयत खराब है, बुखार लग रहा है दादी को, बाबा का भी तबीयत खराब है। ऐसे हालत में हम अगर सेवा नहीं करेंगे तो कौन सेवा करेगा? आगे सुनगावेला है क्या दादी? तो हमने के ठेठ भाषा है ये सब, सुनगावेला हो ये सब जो भाषा होता है ठेठ भाषा, हिंदी भाषा बोलते हैं हम लोग। दे सुनगा दी, दे सुनगा दे। अब दादी सुनगा दे रही है, आगे बोल रही थी हम सुनगा लेंगे। और हमारे यहाँ ना ढीबरी का रिवाज होता है, शायद आपके यहाँ होता हो कि नहीं, मिट्टी तेल से। देखिए कैसे दादी सुनगा रहे आगे अभी, ये देखिए ये राहर रेठा है दोस्तों, मतलब कि राहर जो होता है ना उसी में फलता है, तो उसी का सूखा हुआ है जिसे आगे सुनगाते हैं। ये देखिए आगे कैसे सुनगा रहे हैं दादी अभी दोस्तों। अब जो है हमको लगता है कि यहीं पर रहना पड़ेगा। रोज रोज का जो किच किच है ये सबसे बढ़िया है, अपना दादी बाबा की सेवा करेंगे, मौका है मिल जाएगा। तो इसलिए हम भी छोड़ छाड़ के आ गए हैं और अचानक से आप हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा तो हैरान भी रह रहे होंगे कि अचानक से कैसे आ गए। तो बस रीजन यही थी, जब वो वहाँ से अचानक से जा सकती है मायके के लिए, प्लानिंग कर सकते हैं तो हम भी अचानक से प्लान कर सकते हैं। अब उसका घर क्या है कि नहीं हमको नहीं पता है। अच्छा चालू कर दे भाई। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो गया हमको आने में, इसलिए बीच का हम क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि अचानक से हड़बड़ी में हम निकल गए हैं। हमारे घर में ना मक्का बहुत फला हुआ है, ये रही मक्का का पूरा खेती हुआ है। तो अभी जो है देखते हैं क्या क्या होने वाला, क्या क्या प्रोग्राम है। अब खाना दादी बना रहे हैं तो कुछ हेल्प भी कर देते हैं। काली बाबा कहाँ हो? कुछ कहे थे का ना लगा ले ली चारज में। हाँ, निकाल के लाने थी। अच्छा, जब वो सी तो बढ़ते ना सी ना जो तो लड़का थी जब वही तो बाची होले तो चालू हो गया है। देख रहे हैं चालू होले चल बाची कर ही बाद में देखिए। हाँ, तो दोस्तों मैंने कि गांव में छोटा सा एक मोबाइल है और मोबाइल बार बार अपने आप बंद हो जाता है। तो ये रही बाबा का मोबाइल है छोटे सा के, ये देखिए हमको लगता है कि शायद बैटरी खत्म है कि का ना बाबा, बैटरी खत्म है का? तो बाबा के पता ना है कि बैटरी खत्म है या फिर है, इनको उतना बुझाता नहीं, खाली चार्ज में लगाने जानते हैं और फोन आता है तो बतियाने जानते हैं। और बैटरी तो चार्ज है बाबा, फुल चार्ज है दोस्तों, देखिए बैटरी फुल चार्ज है।
गांव में बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। कौन वाला मोबाइल में? अच्छा में सिम ना है दोस्तों। यह जो है मोबाइल मतलब कि छोटी वाली फुआ मुंबई में रहते हैं वो दे के गए हैं। अब देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। हाँ दादी को देखिए पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम है कौन है। दादी थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लाचारी है। काची बाबा कैसे ना? हाँ चार्जर फार्जर सब देने। अच्छा हम देखेगा ठीक कर तो क्या दिक्कत है हमारा है लगे बात देख बता दिए कि ऐसे लाची जाती हो तो बात ये एक आधा दबा भी तब अच्छी होता है। एक आधा में हम एक चालू कर दबा तब ना ये वाला से होती बात एक आधा से फोन करता है एक आधा चालू कर दबा ना तब बुझा जाए तो कैसे का कर रहे तो हमें बतला दिए। हाँ बता दे वो ये जैसे हाँ सिम डाल दे भैया गाँव का और हाँ अच्छा। और बाबा का भी तबीयत खराब है अभी देख रहे हैं ना। और सर्दी खांसी हुआ हमको भी सर्दी खांसी हो गया। दादी का तबीयत इधर खराब है बुखार के लोग को लग रहा है दवा खा रहे हैं इसलिए हमको भाग के आना पड़ा घर पर। ये देखिए दवाई बाबा दादी का और ये कुछ हमको बताया नहीं कि तबीयत खराब है खाली बोल रहे थे इसी सर्दी खांसी दवा नहीं ला पाए हम मम्मी लोग लिए हैं लोकल दवा अभी कंट्रोल भी कर पाता है कि नहीं नहीं पता। ये दुकान से ले लो बाबा काची में से हॉस्पिटल में से हाँ दो कहे है लखन के चमड़ा के नाती है तो कुछ सुनाई हुई थी कैसे सुन से हम खरीदे आज दुकानिया में से लेके खरीदे दुकान से कुछ अच्छी हो गई। हाँ अब बताइए तबियत इतना दे लिए वो हम खरीदे तबियत इतना खराब है जो हम कहा बोले अब जैसे बुझाई चलो ना। हाँ कपड़ा ये वाला हाँ अब अखिया मांगे और चलो ना सर्दी से खाली ये दवाइयाँ ले लें कि भाई ले आने से कभी कागज से। हाँ दोस्तों मैंने कि यहाँ पर ना बहुत तरह की दिक्कत है गर्मी ठंडा बरसात तीनों सामना करना पड़ जा रहा है। उम्र भी ढल गया है अब इसके वजह से दिक्कत हो जाता है। गर्मी अब काफी ज्यादा लग रहा है पंखा का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कहाँ जाना हो एक पंखा था पानी ला दे पानी ला दे दे ला दे ना कि थक ला ला दे ना दादी दे पानी बती तो खंगाल नहीं थी हमका दिक्कत है। तो ये रही हमारी चापाकल इसी से सारा काम होता है यहाँ पर। अब थोड़ा सा आए हैं तो दादी बाबा की हेल्प कर देगी। ये कल आज कल नहीं देखते हमको लगता है कि जब सब देख रहे हैं तब से कल इससे पहले कुआं था कुआं बंद हो गया है मतलब भरा गया है फिर कल करवाए थे। और गांव में चाचा ना मोटर बैठाए हैं देखिए मोटर लगा हुआ है कल में ही अटैच है और ये उससे भी काम होता है जिससे खेती उती पटाने के लिए काम में आ जाता है। ये रही पानी ले दादी कहाँ रख दीवा यहाँ रख दीवा अच्छा ठीक। दोस्तों आगे सुन गया हमारा। अब खाना कहाँ का बनती बाबा आज कुछ बना था भैया देखिए अभी दादी का खाना बनाने वाले हैं। यहाँ पर ना सबसे अच्छा लगता है हमको कि चूल्हे पर सब कुछ होता है काम इसी चूल्हे पर खाना बनेगा अभी और इस पर हम लोग खाएंगे भी अभी। गैस भी है लेकिन बहुत दिक्कत है बहुत दूर से भरवाने पड़ता है ना बाबा नहीं आवे है। हाँ लेकिन बड़ी 11-11.5 से लेके बड़ी दाम बढ़ल है। हाँ। दाम बढ़ल है गैस के तो इसलिए बैसाख जेठ से नहीं भरवे। हाँ आलू तो देखो तो भरवा देबो देखो एगो रखा रहा तो काम देते हो कभी कभी बहुत हुआ भी आज का दे दी। हाँ ये दोस्तों देखिए ये काम कल से स्विच में कट हो गए बाबा का टोस्ट के दे लली बाबा वो मुकेश नंदन ने कंपनी में थे बॉम्बे से चाचा लाए थे टॉर्च मुंबई से। दोस्तों इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है पसीना टर टर चू रहा है पता नहीं कितना गर्मी गांव में है मानना पड़ेगा। पानी बहुत कम गिर रहा है जबकि ऐसा तो रांची में इतना गर्मी नहीं जितना यहाँ पर गर्मी है बहुत फेस करना पड़ रहा है गर्मी को यहाँ पर। दोस्तों अभी जो है बाबा साथ में आ रहे हैं और इतना घना मक्का है जो मत पूछिए मक्का काफी बड़ा बड़ा हो गया है भुआरे भी निकल रहे हैं। और हमारे गांव में कॉलोनी आया था तो
कॉलोनी भी जो घर होता है ना वो बन रहा था लेकिन ढलाया नहीं है उसका, पंडितों का जल्दी ढलवाना, अब घर भी जल्दी ढलवाना है यहाँ पर, पैसा नवा गया हमें जल्दी ढलवाना। हाँ तो पुरनका कॉलोनी सब खत्म करवाने का मिले थे। अच्छा तो पुराना वाला जैसे कॉलोनी हम लोग का है ना, तो उसी से घर बन रहा था दोस्तों, साल भर हो गई ना। ये कैसे खुलते बाबा इसे? ये दोस्तों टाटी है, गांव में इसे टाटी बोलते हैं हम लोग, घर पर खुद बाबा अपने से बनाए हैं ना बाबा, बांस से बनाए हैं कि नहीं? और हाँ दोस्तों, हमारा गांव का ये रहा घर कॉलोनी वाला, अभी बना नहीं है पूरी तरह से, ढालना सब बचा हुआ, बाकी सब क्लियर हो गया है और नीचे का कोई काम नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें कब काम लगता है नहीं पता। तो अभी टाटी से लगा कर रखे हैं, शाम हो गया है ज़्यादा, तो दिन में ना आपको ये भी दिखाएंगे कैसा घर है। चाचा कब वाले बोले थे? चाचा कब बता थी? 30 तारीख ले, 30 तारीख ले। चाचा को अभी आने में लेट है, 30 तारीख ले आएंगे अभी, तो आज हो गया यानी कि हाँ 10 दिन मान लीजिए लेट होगा, 10 दिन में आएंगे। 30 तारीख पहले है वो, कहाँ जाने कही आ रहा हूँ। अच्छा कोई बात ना, हमारे लिए देख रहा है। और दोस्तों से कि घर को ना ढालने के लिए सब गिट्टी बालू सीमेंट छड़ सब मंगाना होगा तभी ढाल पाएंगे। अब कॉलोनी का पैसा है तो मार में बलियो न कर मिले जल्दी, बड़ी महंगा ना, 700 रुपये टीवी प्रति देती है। अच्छा अभी हम भेजू ऐसे में, गांव में भी इतना दिक्कत हो जा रहा है बालू के, जबकि नदी में पानी उतर रहा है। नदी में जाकर देखबे तब ना बालू है ना, वहाँ थोड़ा सा आसन बढ़िया होकर सब बेच दे जाती है। हालत बहुत खराब है, क्या कीजिएगा, गांव हो चाहे शहर हो सब जगह वही स्थिति है। चलना चाहे फिर चलो दोस्तों, अभी देखिए टाटू कैसे हम लोग बंद करने वाले हैं और बाबा ये सब कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं। दोस्तों ये जो है कुछ नज़ारा आपको हमारे गांव का दिख रहा है, जो कि एकदम गांव है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ जंगल जंगल है, कोई आना चाहे तो जल्दी आ नहीं सकता है, गाड़ी नहीं मिल पाता है जल्दी यहाँ पर, और बहुत मुश्किल से गाड़ी मिलता है आने के लिए। बन होलवा चला दोस्तों, हम ना बहुत दिनों के बाद आज गांव में आए हैं, जल्दी आते नहीं हैं। दोस्तों आप जो फैमिली में मम्मी को यहाँ पर देख रहे होंगे, मम्मी हमको कॉल किए कि ऐसा हालत है बाबू तो आ जाओ घर पे, हम घर पे आए हैं। तो ये मेरे मम्मी आप पहले देखे होंगे, ये मेरे बड़ी वाली फूवा जपला के हैं और ये दादी, फूवा और दादी का शक्ल मिलता जुलता है और पहचानना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और सबसे यूनिक है यह दादी का और मतलब बड़ी फुआ का चेहरा, बाकी छोटी वाली फुआ महीन वाली फुआ सब अलग हैं, देखेंगे आप तो शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। और मम्मी यहाँ पर आए हैं तो जितिया किए हैं, आप देखें कि जितिया समय हम लोग का कैसा हालत हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ से कुछ नहीं कर पाए, तो मम्मी बोले कि बाबू आ जाओ घर पे, जितिया ही करेंगे और अच्छे से हम लोग रहेंगे फिर। तो मम्मी जितिया भी किए तो ले आई, मम्मी क्या किए हैं दोस्तों? ये रहे मम्मी जो जितिया किए हुए थे, पूजा कर भी ले आए हैं। हेलो बात कीजिए। हेलो देखिए, हेलो अभी पूजा करके हम आए हैं और हमारे साथ आपको साथ सबके सेवा लगा रहे, मतलब मम्मी का रहे और हम भी खुश रहे, मेरा बच्चा भी खुश रहेगा, आप लोग भी बच्चा खुश रहे। हेलो गाइस, सबको आशीर्वाद दीजिए मम्मी की, सब बढ़िया से सब बढ़िया से रहे, खुशल मंगल रहे, खुशल मंगल रहे, हम भी रहेंगे, सबको रहेगा। मैंने मम्मी देखिए वीडियो में उतना बोलते नहीं तो बोलने नहीं आ रहा दोस्तों, इसलिए गलती से बोला जी, उसके लिए माफी चाहते हैं। और ये रही कुछ क्या क्या नियम कानून है, केला है, सेब है, खीरा है, लपेटले हैं जितिया लपेट जाता है, रोड़ी सेंदूर है, नारियल अथी मिश्री है, गुड़ भी है, और पचमेवा मनो है, धूप अगरबत्ती सब है। तो ये सब जो है अनिवार्य होता है जो मम्मी पूजा करके भी ले आए हैं। और हम ऐन मौके में पहुंच गए कि फुआ से मुलाकात हो गई हमारी ना, है कि हाँ पहनाना है ये जितिया जो है ना, ये पहले बेटा पहन लेते हैं जितिया, और बाद मम्मी पहनेगी जितिया, हम पहनेंगे इसको गला में पहले डाल के। दोस्तों अभी जो मम्मी हमको देखे जितिया पहनाने वाले हैं, देखिए दोस्तों अभी मेरा बेटा पहले जितिया पहनाएंगे, बड़ी भाग है इसको, जितिया के जन्म है,
नहाए खाए के दिन है, इसलिए हम जितिया का मर्यादा बहुत ज्यादा रखते हैं। अब पहले जितिया बेटा के पहना लेंगे, ओकर बाद हम जितिया के पहनेंगे। हाँ देखिए ये सब जितिया है ना, अटेगा खोलना पड़ते है, काम खोलेंगे। देखिए दोस्तों जा दोस्तों, फाइनली ये रही जितिया जो मम्मी पहना दिए। और खुशी की बात ये है कि हम जितिया के जन्म के हैं, सोचे आज मेरा जो है इस समय मेरा जन्म हुआ था, तो आप लोग से हैं तो हम हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। हाँ हैप्पी बर्थडे भी विश कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन कहा कि बेटा के आज के नहाए खाए के दिन जन्म था, आज मेरे बेटा के लेके हम तो दोस्तों खुशी मना रहे थे। आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए हमें, हमारी बहुत मेरा खुश, बस आपकी जो है साथ लगाव है, सब दिन बना रहे, आप एक साथ प्यार दें। और जब भी मेरे से बड़े सबको मेरा प्रणाम और छोटे को शुभ आशीष। बहुत सारा प्यार है आपको, मेरा भी दीजिएगा मेरे बेटा के लिए। और दोस्तों ये कुछ खोलने का कार्यक्रम होता है, पहना के खोला जाता है, एगो धागा वाला छोड़ देंगे, अभी ये धागा वाला भी रहने देंगे। कब तक रहेगा ये? रहेगा जब तक पहनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फिर मम्मी पहन लिए मेरे से उतार के, ऐसा नियम है। और धागा वाला बेटा को पहना दिए हैं। और दादी ना कुछ से कुछ बोलते रहती है, पता नहीं चलता है, तो ऐसा क्या है ना, दादी कम सुनाई देता है, इसलिए बुरा मत मानिएगा आप लोग। दोस्तों अभी दादी जो है भात खा रहे हैं, फुआ लहसुन निकाल रहे हैं, फुआ आज नहीं खा सकते हैं, फास्टिंग है अभी। और दादी बिजारी बर्तन साफ करने के लिए, मम्मी गए हैं कुछ और काम में वहाँ पर गए हैं, और हम यहाँ पर ना आटा सान रहे हैं अभी। दोस्तों ये देखिए अभी हम आटा सान रहे हैं यहाँ पर, और मम्मी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम आटा सान देंगे और फुआ फटाक से फिर बेल देंगे, तुरंत खाना बन जाएगा। फुआ का हाथ से बनता नहीं है। तो फुआ जो है खाना में भिड़ गए हैं, और ये रही करेली के भुजिया बनने वाली है। और काची बनेगा फुआ? नेनुआ का बनेगा, अरे झींगी की सब्जी बनेगा, झींगी का सब्जी और रोटी बनेगा। रोटी छौका लगा दिया ये फुआ, और मम्मी रोटी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, और मम्मी देखिए सुबह सुबह खाना बना लिए, पारण भी कर लिए, और इतना सुबह में करना बहुत मुश्किल है अभी बस ये। और ये देखिए दोस्तों क्या मड़ुआ का आटा है, मड़ुआ के आटा है, रोटी और चना, और चना या खीरा, बस 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 रह दीजिए। ये रही खीरा, ये सबका मम्मी ला के सब जो पालन किए। दोस्तों प्रसाद ही आप सभी आज ही खाने के लिए, और बताइए कैसा रहा गाँव का प्रसाद दोस्तों। और आप लोग अचानक से ये देख रहे होंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है, जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। इसलिए जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए धमाकेदार वीडियो होगा। आई होप दोस्तों आज का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय कर दूँगा। Bye.